के 12 बजे पैरानॉर्मल एक्टिविटी की लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग भूत प्रेत के खिस्से सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर हर दिन एक नई वीडियो अपलोड होती है। आज की कहानी बहुत ही खौफनाक और डरावनी है। एक डायन के बेटे की सच्ची कहानी है। मित्रों, 12 बजे रात में एकाएक दरवाजे पे किसी की खटखटाने की आवाज सुनाई देती है। रोहन की पत्नी दरवाजा खोलती है, पर दरवाजे पर कोई नहीं। रोहन काम पर गया हुआ था, नाइट शिफ्ट ड्यूटी थी। रोहन की पत्नी घर पर अकेली थी। रात के सन्नाटे में कुत्ते की रोने की आवाज सुनाई पड़ रही थी। रोहन की पत्नी दूर कहीं बच्चे की रोने की आवाज सुनकर चौंक पड़ती है। जिस तरफ बच्चे की रोने की आवाज आ रही है, रोहन की पत्नी उसी तरफ चल देती है। पास ही एक कुआं था, उस कुएं के पास एक बच्चा रो रहा था। रोहन की पत्नी उसे अपने गोद में उठा लेती है और इधर उधर देखने लगती है और आवाज लगाती है कि शायद इस बच्चे को कोई यहां छोड़ गया, पर सामने से कोई आवाज नहीं आती है। एकाएक रोहन की पत्नी की नजर उस बच्चे के पैर पर पड़ती है। दोनों पैर उल्टे हैं और दोनों दांतें अंदर से बड़ी बड़ी नोकीली निकली हुई है। बच्चा वजनदार हो रहा था। रोहन की पत्नी घबरा गई और बच्चे को एक तरफ फेंक कर भागने लगी। रोहन की पत्नी जैसे तैसे भागकर अपने घर पहुंची, दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। सुबह का इंतजार करने लगी। सुबह रोहन आया। रोहन को सारी बात बताने के बाद उसकी पत्नी चिल्लाने लगी कि मुझे अब यहां नहीं रहना है। रोहन ने उस रूम को तुरंत छोड़ दिया और वहां से कहीं दूर रहने चला गया। यह सच्ची घटना पर आधारित कहानी थी। अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो आप हमारे चैनल को सुना सकते हैं। अगर आपकी कहानी हमारे चैनल को पसंद आती है तो हमारे चैनल की तरफ से एक गिफ्ट इनाम के तौर पर आपको दी जाएगी। कहानी कैसी लगी कमेंट अवश्य करिए। अगर आपका कमेंट हमें पसंद आता है तो एक अच्छे कमेंट करने वाले को गिफ्ट इनाम के तौर पर दी जाएगी। गिफ्ट जिसे दी जाएगी उसकी घोषणा हम वीडियो में अवश्य करेंगे। और लाइव वीडियो हमारे चैनल पर आती है 12 बजे रात में। हम लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं और वो जगह दिखाते हैं जहां पर डरावनी घटनाएं होती है। आप अवश्य मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप भी देख सकें रात में पैरानॉर्मल एक्टिविटी। थैंक यू।